मैं तुम्हारे पीछे पीछे तो आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह हम निकल चुके हैं ऑटो लेकर अपना वृंदावन के लिए। और मथुरा से वृंदावन का ज़्यादा दूर नहीं है, 15 से 20 किलोमीटर होगा और आधा घंटा लगता है मोस्टली। और आप ऑटो से जा सकते हैं। ऑटो का प्राइस ऑलमोस्ट 200 से 250 के बीच वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम और कितना बार्गेन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको राधा रानी के दर्शन करने। जब तक हम पहुँचते हैं वृंदावन, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इंटरनेट से झलकियाँ जो कि फेमस है वृंदावन की, ब्रज की होली, क्योंकि वृंदावन को ब्रज भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ब्रज की होली खेली जाती है और बहुत ही अलग अलग तरीके से खेली जाती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात कि यहाँ पे होली 40 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट बसंत पंचमी के आसपास से स्टार्ट हो जाती है और होली के मेन तक चलती है। तो हर दिन अलग टाइप की होली होती है यहाँ पे, जैसे फूलों की होली और विडोज के लिए भी होली होती है और रंगों की तो ऑफ कोर्स होती है, और लठमार होली जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। तो देखिए कुछ झलकें जब तक हम पहुंचते हैं वृंदावन, और फिर जल्द मिलते हैं आपको वृंदावन की इन गलियों में। उतर गए हैं मेन ऑटो से, यहाँ से लेंगे इलेक्ट्रिक क्योंकि वही जाते हैं अंदर यहाँ से। इसके बाद अंदर बिल्कुल कोई अलाउड नहीं है, रिक्शा वगैरह। हाँ, क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है बता जरा, ये पूरी स्टोरी सुना रही, कौन कहाँ रहता है। ई रिक्शा की सवारी के मजे लो। खरीदारी होते हुए ये ऊपर चढ़ाने के लिए ले रहे हैं सामान मंदिर में, झूला वगैरह। चलो देखो कैसे मिलता है। और ये देखिए मिनी का कॉस्ट्यूम आगे आगे चल रही है, गोपियों वाली ड्रेस पहनी हुई है इसने आज, आज बनी हुई है गोपी। एकदम खचाखच सारी पैदल गलियां, पतली पतली, सही है, कोई रिक्शा रुक्शा अलाउड नहीं है, वॉक करके जाना होता है। और यहाँ देखिए कितनी भीड़। तो हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट मंदिर से 100 मीटर की डिस्टेंस आई गेस, और लाइन लग चुकी है, देखिए कितनी भीड़। तो सुबह सुबह आना अगर आना है तो, क्योंकि कम भीड़ होगी, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गए प्रसाद वगैरह लेने में और चीज़ों में। तो यहाँ पे अचानक से अभी बस आई होगी कोई टूरिस्ट की, तो एकदम से भीड़ हो गई है, अदरवाइज अभी तक भीड़ नहीं लग रही थी। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। राधे राधे, स्वागत है आपका कन्हैया की नगरी में, यहीं पे इनका बचपन और पले बड़े हैं। और ये है, सबसे पहले हम गए हैं बांके बिहारी मंदिर, जो कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ये बना था 1862 में। कहा जाता है कि यहाँ पे बांके बिहारी की कुछ इमेज और मूर्ति कुछ मिली थी निधिवन में, तो उसके बाद इसको बनाया गया और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, इसकी काफ़ी मान्यता है। तो सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है, और देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। ओ माय गॉड, मतलब बहुत भीड़ है। आई डोंट नो कितना हो सकता है, दर्शन हो पाएंगे कि नहीं। चलो देखते हैं, आपको दिखाते हैं आगे का और दृश्य। दोस्तों ये देखो कितना मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे, मतलब बांके बिहारी टेंपल बाहर से लेकर अंदर तो सारी भीड़ भीड़ है, पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड इतने सारे हैं, लेकिन सब झुंड में आपस में खड़े हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब कोई मैनेजमेंट ही नहीं कर रहा, कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं है। और जो लिखा भी हुआ देखो एंड में जाके पिलर पे लिखा हुआ, जहाँ पे एकदम टेंपल के अंदर एंटर करते हैं मंदिर मूर्ति लगी, जहाँ पंडित जी खड़े वहाँ लिखा हुआ है
कि इस तरफ पुरुष इस तरफ महिलाएं। भाई पहले से लिखो, आगे से लोग सब जा रहे हैं, देखो इधर महिलाओं वाले में पुरुष हैं, इधर इधर किसी को कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। और इतनी धक्का मुक्की, इतना वो हो रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चे वो पिस ही रहे हैं बीच में। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड दिख रही है आपको, ये तो ऐसे खींच रही है लेडीज वगैरह के बाल बुल खींच खींच के नीचे धक्के मार रही है। बहुत ही बुरा हाल है, मैं तो साइड में आ गया हूँ। मम्मी लोग ये लोग फिर पता नहीं घुस गए आगे पता नहीं कहाँ, बट बहुत बुरा हाल है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे तो आ रहा हूँ। दोस्तों अब हम आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर। पीछे वाले मंदिर की तो हाल देख ही नहीं आपने, चलो आई होप यहाँ पे वैसा ना हो। और ये देखिए थोड़ा बहुत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है बट मैनेजेबल है। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये खाने से पहले और ट्राई करते हैं आज मीठी लस्सी मथुरा की, मथुरा नहीं वृंदावन की मीठी लस्सी। बाकी ढोकला छोले कुलचे तो ऐसे ही हैं, कोई स्पेशलिटी नहीं है। लस्सी हो सकती है शायद कुल्लड़ वाली। दो मंदिर किए हैं अभी, राधा वल्लभ और अपना बांके बिहारी। और चल रही थोड़ी शॉपिंग दिखाता हूँ, और इनकी शॉपिंग चल रही है। दुपट्टे दुपट्टे वाली क्या क्या ले रहे हैं क्या ये। दोस्तों पहुंच गए हैं निधि वन, और निधि वन जैसे कि इसका मतलब होता है सैक्रेट फॉरेस्ट, तो ये भी एक सैक्रेट साइड है वृंदावन की। और कहा जाता है कि यहाँ पे राधा कृष्णा की रासलीला होती थी, डांस होती थी गोपियों के साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप बहुत सारे चारों तरफ ये बैरिकेड बनाया हुआ है जहाँ से आप अंदर जा सकते हो, बट बाकी तरफ सारा ये फॉरेस्ट टाइप का बनाया हुआ है जिसमें ये सारे के सारे तुलसी प्लांट्स हैं। और कहा जाता है कि तुलसी प्लांट भी पेयर्स में है, तो आपस में लिपटे हुए। और यहाँ पे ये है रंग महल, जहाँ पे कि कहा जाता है कि पूरे दिन भर रासलीला करने के बाद, डांस करने के बाद राधा और कृष्ण यहाँ रुकते थे, तो थक हार के यहीं सोते थे, यहीं रुकते थे। उसके अलावा यहाँ पे एक ललिता पौंड है, मतलब तालाब, जहाँ पे वो माना जाता है कि जो कृष्ण थे उन्होंने वो खुद बनाया था, जो उनकी काउ हर्ड्स थी, मतलब गायें थी इतनी सारी, उनको ताकि वहाँ पे पानी मिलता रहे। ये है रासलीला स्थली, यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे हैं, तो आई थिंक यही होगी। वैसे माना जाता है कि रात आज भी रात के टाइम कृष्ण और राधा जी डांस करने की साउंड आती है, तो लोग मानते हैं कि वो अभी भी यहाँ पे डांस कर रहे हैं। जा रही है
और ये देखिए यहाँ पे लोग कर भी रहे हैं डांस। ये देखिए कितना, ये देखिए यहाँ पे कितना ज़बरदस्त माहौल है, सभी राधा रानी की भक्ति में मगन है। बस ये है कि मैनेजमेंट नहीं है तो धक्का मुक्की बहुत है, अदरवाइज अलग ही तरह की आपको एक एनर्जी मिलेगी। तो गाइस व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे एंड करता हूँ, और इस दिन का बाकी की जो जर्नी थी हमारी वो मैं दिखाऊंगा आपको अगले व्लॉग में। तो फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।